SCNA. ठीक है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आप ऐसे ले सकते हो जैसे आपने विंडो प्लस आर दबाया तो रन कमांड को बॉक्स आ गया, फिर एक ऐसे एरो आ रहा हूं मतलब एंटर के लिए। ठीक है, तो जैसे आप एंटर दबाएंगे तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा, विंडो 7 में ऐसा होता है, तो वहां पे आपको यस करना है। यस करना है, हां, उस कंफर्मेशन पे। ठीक है, उसके बाद में ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डिस्क पार्ट। लिखो ये डिस्क पार्ट, एंटर। हां, डिस्क पार्ट के बाद में एंटर दबाओगे। एंटर दबाने के बाद में आपके आपको क्या हो जाएगा, आपके पास जितनी भी ड्राइव्स की लिस्ट है वो आपको वहां पे उस ड्राइव में मैसेज में आपको कोई बताया यस और नो का ऑप्शन होगा वहां पे। नो नो, वो हां यस, डू यू वांट टू अलाउ द फॉरेन प्रो। बिल्कुल, अभी आप वो आएगा सर, मैंने आपको इसलिए बोला था, तब बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको यस करना होगा क्योंकि आप उसे एडमिन लेवल पे ऑपरेट करोगे। आप पहले आप लोकल लेवल पे थे, अब उसे आप एडमिन लेवल पे जाओगे। अच्छा अच्छा, हां ठीक है, तो आपके पास में ऐसा कुछ है नहीं, स्टेप देख लो, स्टेप भी लेना। उसके बाद में इतना करने के बाद में स्क्वाड और मैच स्टेप में पहले ही बता चुका हूं, मैं स्टेप रिवाइज करा रहा हूं, है ना, इसको हटा दो उसी विंडो पे आओ बस वेयर पे। उसके बाद जब आप एंटर दबाओगे तो आपको लिखना होगा लिस्ट लिस्ट स्पेस डिस्क। लिस्ट स्पेस डिस्क लिखोगे, उसके बाद में आपको फिर से एंटर दबाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास में बहुत सारी लिस्ट जो डिस्क होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट जीरो, लिस्ट वन, लिस्ट टू, ऐसे करके। ठीक है, और आपको क्या देखना है उसके अंदर कि आपकी जो पेन ड्राइव उसका साइज कितना है वो आपको पता है, जब आपने पेन ड्राइव प्लग किया सबको पता है आपकी पेन ड्राइव का साइज कितना है, 16 GB या 15 GB जो भी आप उसमें दिखाएगा, आपको उसकी लिस्ट का नंबर देखना है कि वो कौन सी लिस्ट नंबर पे है। जैसे मान लो मेरे पास में 3 है, पहला 0 है वो दिखा रहा है मेरी इंटरनल हार्ड डिस्क के लिए, दूसरा रोम डीवीडी राइटर के लिए दिखा रहा है, तीसरा पेन ड्राइव के लिए दिखा रहा है। उसके बाद में किसी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए कमांड यूज करूंगा, सिलेक्ट डिस्क, सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 3। अगर आपकी तीसरा नंबर की पेन ड्राइव है तो अच्छा, ठीक है, सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 3। उसके बाद में अब जैसे आप एंटर दबाओगे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, नाउ दिस दिस इज सिलेक्टेड। उसके बाद आप सबसे पहले काम करेंगे क्लीन का, आपकी जो भी पेन ड्राइव की लिस्ट थी आपने वो सिलेक्ट कर दी, उसके बाद एक कमांड यूज करोगे क्लीन की, CLEAN। जैसे आप क्लीन करोगे उसके बाद एंटर दबाओगे, एंटर दबाएंगे उसके बाद में सेम कंफर्मेशन मैसेज आएगा, योर ड्राइव इज क्लीन और समथिंग कुछ जो भी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पेन ड्राइव का पार्टीशन बनाना है, उसके लिए आप एक कमांड टाइप करोगे क्रिएट, CREATE क्रिएट स्पेस पार्टीशन PARTITION ऐसा ही, सही, पार्टीशन स्पेस प्राइमरी PRIMARY। इतना करने के बाद आप उस
फिर से एंटर दबाओगे। एंटर दबाने के बाद आपके पास में सेम मैसेज आएगा, यह दिस इज नाउ प्राइमरी। उसके बाद आपको करना है उसे एक्टिव। उसके लिए कमांड यूज करोगे आप ACTIVE, एक्टिव। एक्टिव लिखने के बाद फिर से आप एंटर दबाओगे, ठीक है। अब उस एक्टिव पार्टीशन को आप फॉर्मेट करोगे, उसके लिए आप कमांड लिखोगे फॉर्मेट FORMAT स्पेस FS इक्वल टू NTFS। इतना तो आपको करना ही करना है। अगर आप जल्दी फास्टली करना चाहते हैं उसे, तो उसके बाद स्पेस देके क्विक लिख दो, QUICK। अगर आप पार्टीशन को जल्दी फॉर्मेट करना चाहते हो तो NTFS के नीचे अंडरस्कोर लगा के लिख दो, फैट भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, फैट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे एंटर दबाओगे कुछ देर की वेट करना होगा और वो पार्टीशन आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब आप उसे असाइन करेंगे। क्या करेंगे? असाइन। और उसके बाद असाइन करने के बाद आपको करना है उस पार्टीशन से एग्जिट, EXIT। और असाइन की स्पेलिंग थी ASSIGN, ठीक है। एग्जिट करने से क्या होगा कि आप डिस्क पार्ट के ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना चाहते हैं तो फिर से आप एग्जिट करोगे। अब आपकी जो ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। अब आपके पास में नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपकी ISO फाइल से जो आपने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था, उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट्स आपको कॉपी करके पेस्ट कर बूटेबल जो उसके फोल्डर्स हैं उसको वहां से कॉपी करोगे, उसके बाद से पेस्ट करोगे जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसके अंदर। जैसे वो सारे कॉपी हो जाएंगे उसके बाद आप इजीली उसे बूटेबल पेन ड्राइव के तौर पे यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम को बूट करने के लिए, विंडोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स थे। ये 8 है, ये 8 का आइकन कुछ इस टाइप का होता है।
आइकन से भी आइडेंटिफिकेशन होती है कौन सी एरिया है कौन सी टाइप कैन कॉल ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा वाइट में आता है ये जो मैनुअल्स थे वो आप ही के लिए आप इन पे अगर माफ करना चाहते थे तो इस पे भी माफ कर सकते थे तो अभी भी कर सकते कोई इशू नहीं आप इनको खुद कैरी करोगे जितने भी मैनुअल्स आपको दिए गए आप वो आपके लिए आप खुद कैरी करोगे VIP card.